अगर तुम देखो कि इस वाले क्वेश्चन को करो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहते हैं, स्मॉल बॉडी मूव, अपना कोई पोजीशन है, स्मॉल बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है। तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं कोई बॉडी रही होगी, एक बॉडी थी वो यहाँ इनिशियल पोजीशन पर थी टी इज इक्वल टू जीरो पर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर ये था, दिस पोजीशन वेक्टर इज आर वन। अब ये घूमते घूमते कहीं यहाँ आ गई और इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया कुछ ये आर टू, ठीक है। तो ये कहते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर मूव टू पोजीशन दिस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल क्या होता, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यार, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से फोर्स जो होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, चेंज इन पोजीशन। तो फोर्स और चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये वाला, तो यहाँ से एफ डॉट और फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो फाइन आर टू फाइन मूव टू दिस पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। जब ये वाला इनिशियल था तो ये वाला जो आर टू है यहाँ पर दिया हुआ फाइनल पोजीशन, वो है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और ये वाला जो चीज़ है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। तो आर टू मतलब 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप में माइनस कर दूँ आर वन, आर वन है 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। तो यहाँ से तुम देखोगे तो f डॉट 3i कैप ये बचेगा इधर भाई, और इधर बचेगा -5j कैप, माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर अगेन बचा 5k कैप। अब फोर्स वेक्टर की वैल्यू डाल दो, फोर्स वेक्टर कितना है, तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो अब मैं फोर्स वेक्टर डाल रहा हूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप और +7k कैप, में डॉट ले लेता हूँ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो i का i भाई 5 का 5 पे आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 35। तो ये 10 और 35 ये प्लस प्लस 35, दैट इज 40 जूल। तो जो वर्क डन फाइनली आया होगा दैट इज 40 जूल इन दिस बॉडी। दिस वेक्टर इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज अ डेल्टा आर, ठीक है। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो फाइनल इसका है वो 40 जूल बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।